नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आपका स्वागत करता हूं सूर्यवंशी एकेडमी के इस चैनल पर। आज जो टॉपिक लिया है हमने, आज के सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का वो पार्ट जो सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले मैं इसके महत्व को बता दूं, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेगमेंट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये आधुनिक भारत के संदर्भ में है। अगर आप MPPSC या किसी और स्टेट की PSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जो आप छोटी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे आप NTPC की दे रहे हैं या SSC दे रहे हैं या व्यापम की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके संदर्भ में भी ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बहुत ही ईजी वे में डिज़ाइन किया है आपके लिए, स्पेशली गवर्नर जनरल को पढ़ने के लिए। जब हम आधुनिक भारत में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान करता है गवर्नर जनरल, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं आपके पास। तो इसको समझने के लिए इसके चार टुकड़े करे हैं मैंने, तो चार अलग अलग पार्ट में अपन चार अलग अलग वीडियो के माध्यम से इसको समझ लेंगे। और अगर मैं आपको एकदम ब्रीफ में बताता हूँ, तो अगर हम इसका पहले भाग को अगर पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनी के अधीन आने वाले गवर्नर जनरल के बारे में, क्योंकि हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कंपनी के अधीन हमारे पास कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, तो आपको पता चलेगा मोटे तौर पर कि लगभग 7 ऐसे गवर्नर जनरल है या 7 ऐसे नाम है जो हमको याद रखने चाहिए। क्योंकि कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल आए थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इनेक्ट होंगे, और जैसे वॉरेन हेस्टिंग हो गए, कार्नवालिस हो गए, सर जॉन शोर हो गए, वैली जेली हो गए, मिंटो प्रथम हो गए, इस प्रकार के वॉरेन हेस्टिंग से लेकर एमरहर्स्ट तक, ये जितने भी हमारे पास नाम हैं इन सभी की डिटेल में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। दूसरे वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कंपनी के अधीन जो थे, फिर जब हमारे पास नया चार्टर्ड एक्ट आता है, चार्टर्ड एक्ट 1833 का, तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से हमने क्या करा था, भारत के गवर्नर जनरल बना दिया था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। तो हमारे पास कुछ लगभग 6 नाम हैं विशेष प्रकार से, जैसे हमारे पास विलियम जो है, हमारे पास बेंटिक हो गए, सबसे पहला नाम विलियम बेंटिक ले लेते हैं, 1828 से लेकर 1835 तक ही हमारे रहेंगे भारत के गवर्नर जनरल। इसके बाद आने वाले मेटकॉफ हो जाएंगे, ऑकलैंड आ जाएंगे, बोरो आ जाएंगे, हार्डिंग हो जाएंगे। लास्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे हम डलहौजी को पढ़ लेंगे, डलहौजी साहब हमारे पास 1856 तक रहने वाले हैं, तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, जब 1857 की क्रांति हो जाती है उसके बाद जो हमारे पास परिवर्तन आता है राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, तो उस परिवर्तन के तहत हमारे पास एक नया पद आएगा वायसराय, उसके बारे में बात करेंगे। मैं भी आपको बहुत जल्दी बताना चाह रहा हूँ ताकि आपका समय खराब ना हो। तो पार्ट सी के अंदर हम भारत के वायसराय के बारे में बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 3 पार्ट तो देख लिए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, और आपके दूसरा हो गया भारत के गवर्नर जनरल, और तीसरा हो गया भारत के वायसराय, चौथा पार्ट कौन सा लेके आऊँगा मैं स्पेशल। तो स्पेशल कुछ ज़्यादा नहीं किया है खास, चौथे पार्ट में हम ये करेंगे 1900 के बाद से, क्योंकि हमारा जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चालू होता है कांग्रेस की स्थापना से होता है, तो हम क्या करेंगे, लॉर्ड कार्नवालिस से स्टार्ट करेंगे चौथा वीडियो, तो लॉर्ड कर्जन से स्टार्ट करेंगे, 1905 तक कर्जन रहने वाले हैं हमारे पास, कर्जन से लेकर हम जो माउंट बैटन है 1948 तक, तो 1900 से लेकर 1948, इस बीच में हमारे पास जितने भी लगभग 10 जो हैं वायसराय रहेंगे या गवर्नर जनरल रहेंगे, इनके बारे में हम एक पृथक वीडियो से पढ़ेंगे। कुल मिला के 4 वीडियो हो जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो से, जो कि आज की क्लास है। तो अब हम पढ़ते हैं भारत में आने वाले गवर्नर या कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, और फिर इसके बाद में 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक भारत में जो क्षेत्र है गवर्नर प्रांत बंगाल, उसमें बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन, जिसे हम कहते हैं डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, की स्थापना की थी, और इस व्यवस्था के अनुसार भू राजस्व की वसूली करने और साथ में सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामलों को कंपनी ने अपने अधीन रखा था, और जबकि जो प्रशासनिक व्यवस्था का भार था वो नवाब के जिम्मे छोड़ दिया गया था। तो इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव ने अपने कार्यकाल में, मतलब 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक, बंगाल का गवर्नर के रूप में काम किया, और बतौर गवर्नर उन्होंने दूसरा कार्यकाल जो था वो 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक किया था। अगर बात की जाए गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने, तो इन्होंने इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था उसको कंपनी के संरक्षण में ले लिया था,
इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने समस्त बंगाल क्षेत्र के लिए दो उपदीवान नियुक्त किए, जिनमें से एक थे बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार क्षेत्र के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की थी। 10 अप्रैल 1765 को क्लाइव ने दूसरी बार जब मद्रास की धरती पर पैर रखा था तो 3 मई 1765 की बात में कोलकाता ने अपना कार्यभार जो है वो ग्रहण किया था। क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम से इलाहाबाद की एक संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। सम्राट शाह आलम के लिए इलाहाबाद तथा कड़ा के जो जिले थे, कंपनी के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की व्यवस्था भी की गई थी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिए थे। इसे इलाहाबाद की पहली संधि के नाम से जाना जाता है। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को एक संधि की, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि के रूप में जाना जाता है। इस संधि की शर्तों के अनुसार नवाब ने इलाहाबाद व कड़ा के ज़िलों को शाह आलम को देने का वायदा किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 50 लाख रुपए देने का वायदा भी किया था। इन दोनों संधियों के संपन्न हो जाने से कंपनी की स्थिति जो थी वो अत्यधिक मजबूत हो गई थी। अब अगर बात कर ली जाए हमारे क्लाइव के उत्तराधिकारियों की, तो रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी जो थे वो हुए वेरेलस्ट हुए, और वेरेलस्ट का उत्तराधिकारी जो था वो कर्टियस हुआ। इन कमज़ोर शासकों में क्लाइव की दोहरी सरकार जो उन्होंने स्टार्ट की थी, द्वैत शासन प्रणाली, दुर्गुण पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो गए। राज्य जो था अत्याचार, भ्रष्टाचार और कष्ट के बोझ से कराहने लग गया था। अतः 1772 ईस्वी में जो हमारे नए गवर्नर नियुक्त किए गए वॉरेन हेस्टिंग, उन्होंने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब तक हमने पढ़ा कंपनी के जो बंगाल में गवर्नर थे उनके बारे में। इसके बाद कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को भारत के अंग्रेजी राज्य क्षेत्रों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। कंपनी ने गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित कर दिया और मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन घोषित कर दिया। बंगाल में पदस्थापित गवर्नर जो वॉरेन हेस्टिंग थे, कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग जो थे 1750 ईस्वी में कंपनी में क्लर्क के रूप में कलकत्ता में अपनी सेवाएं देने आए थे। वॉरेन हेस्टिंग अपनी मेहनत, लगन और कार्यकुशलता के दम पर पहले कासिम बाजार के अध्यक्ष बने, फिर बंगाल के गवर्नर और अंतिम रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल भी बन गए और भारत के या कंपनी के गवर्नर जनरल इनको कहने लग गए। कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 ईस्वी में गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग ने राजकीय कोष, जिसको हम कहते हैं स्टेट ट्रेजरी, को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कोलकाता में स्थापित किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालत की भी स्थापना की थी। 1781 में हेस्टिंग ने कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम लक्ष्य के रूप में प्रथम मदरसे की स्थापना भी की थी। वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को दी जाने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को फिजूल खर्ची मानते हुए उसे समाप्त कर दिया। हेस्टिंग ने गीता के अंग्रेजी अनुवादकर्ता विलियम विल्किंसन को राजाश्रय प्रदान किया और हर प्रकार की मदद भी की। वॉरेन हेस्टिंग से ही समय में सर विलियम जॉन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की थी। इसी के समय में 1776 की अगर बात करें तो संस्कृत में कोड ऑफ लॉ जो है, और 1881 में विलियम जॉन्स एवं कॉलबुक की डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ जैसी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित भी हुई थी। अगर बात करें 1780 के समय की, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, जिसके प्रकाशक जो थे जेम्स ऑगस्ट हिस्की थे, ये हेस्टिंग के समय पर ये काम हो रहा था। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी और वॉरेन हेस्टिंग के समय ही 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। वॉरेन हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल बनते ही 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। इस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही सीमित था। बाहर का मुकदमा तभी सुना जा सकता था तब दोनों पक्षों की इसमें सहमति हो।
एक बंगाली ब्राह्मण का यहाँ पे एक नाम आता है, इसका नाम है नंद कुमार। और इस नंद कुमार ने 1775 ईस्वी में हेस्टिंग पर मीर जाफर की विधवा जिसका नाम है मुन्नी बेगम से लगभग 3.5 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया। और ये जो केस था नंद कुमार अभियोग के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसके लिए हम प्रत्यक्ष से वीडियो बना देंगे, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। परंतु शॉर्टकट में अगर बताएं तो नंद कुमार का आरोप जो था वो अदालत में नंद कुमार सिद्ध नहीं कर पाया और हेस्टिंग ने उस पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में उसे फांसी दिलवा दी थी। और इस प्रकार से एक नंद कुमार अभियोग जो है ये कहा जाता है कानूनन हत्या। कभी अगर प्रश्न बने कानूनन हत्या किसको कहते हैं तो नंद कुमार अभियोग आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 तक लड़ा गया था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक लड़ा गया था वह संपन्न हुआ था। इसके द्वारा बनारस के राजा जो चेत सिंह थे के स्थान पर उनके भतीजे को बनारस का नवाब बनाया। और के समय में अवध के खजाने की लूट की घटना ने वॉरेन हेस्टिंग के दामन पर कुछ दाग भी छोड़ दिए। अगर बात करें वॉरेन हेस्टिंग ने तो इसने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था। वॉरेन हेस्टिंग ने फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा और इंग्लैंड में बर्क नामक एक व्यक्ति ने उसके ऊपर या वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया। और 1795 में वॉरेन हेस्टिंग ने जो इसके ऊपर आरोप लगे थे उससे मुक्त हो गया और महाभियोग की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं बंगाल के गवर्नर के रूप में तो वो आते हैं सर जॉन मैकफसन। सर जॉन मैकफसन जो हैं एक अस्थायी गवर्नर जनरल थे और इनकी नियुक्ति 1785 से 86 के बीच में हुई। इसके बाद जो स्थायी रूप से आएंगे वो आएंगे लॉर्ड कार्नवालिस। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बहुत सारी गलतियों और खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था। और इस अधिनियम के माध्यम से भारत के अंदर जो शांति थी और जो शासन था उसके पुनर्गठन हेतु हमें एक अच्छे गवर्नर जनरल की डिमांड थी। इसीलिए लॉर्ड कार्नवालिस को 1786 में बुलाया गया, भारत में गवर्नर जनरल बने। कार्नवालिस एक अच्छे वंश के और एक कुलीन वृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय प्रशासन में बहुत सारे सुधार किए और ये सुधारों का काल जो है वर्तमान में भी हमें आज की व्यवस्था में भी दिखाई देता है। अगर बात की जाए कार्नवालिस के द्वारा किए गए सुधारों की तो सबसे पहले बात करते हैं न्यायिक सुधारों की। बात करें अगर तो कार्नवालिस ने जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें 1786 में जिले का जो प्रभारी था वो किसको बना दिया, कलेक्टर को बना दिया। और कलेक्टर को दीवानी अदालत के जितने भी दीवानी न्यायाधीश के जो कानून होते हैं या जो अधिकार होते हैं वो दे दिए गए। तो कुल मिला के कलेक्टर को दीवानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। अगली बात करें तो 1790 से 1792 के मध्य में जो भारतीय न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की थी इन्होंने फौजदारी अदालतों में उनको समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर इन्होंने क्या करा, 4 भ्रमण करने वाले अलग अलग प्रकार की अदालतों का गठन कर दिया, जिसमें से 3 अदालतें तो बंगाल में थी और एक बिहार हेतु नियुक्त की गई थी। इस प्रकार से कार्नवालिस ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसे कहते हैं कानून की विशिष्टता। भारत में पहले दिखाई नहीं देती है कानून की विशिष्टता, तो कानून की विशिष्टता के ऊपर इन्होंने जोर दिया। कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में एक प्रसिद्ध कार्नवालिस कोर्ट का निर्माण कराया। यह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कार्नवालिस ने इस संहिता के माध्यम से कलेक्टरों को न्यायिक एवं फौजदारी जो शक्तियाँ थी वो उनसे छीन ली और इनको केवल कर कलेक्ट करने की शक्ति दे दी। और यही प्रकार की जो चीज़ें हैं वर्तमान में भी दिखाई देती हैं कि हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं इनके पास में फौजदारी मुकदमे लड़ने का जो काम था वो नहीं रह गया है, केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम रह गया। उसने जो वकालत का पेशा था, जो कार्नवालिस था, इसने वकालत के पेशे को जो एक नियमित पेशे के रूप में भी बनाया। अगर 1790 से 1793 के मध्य की बात करें तो कार्नवालिस ने फौजदारी कानून में बहुत सारे परिवर्तन किए। अंग्रेजी संसद ने भी यही करा कि 1797 आते आते जो कार्नवालिस ने परिवर्तन किए थे इसको अधिनियम के माध्यम से प्रमाणित भी कर दिया। इन सुधारों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो हत्या के मामले में पहले जो है भावना पर बल नहीं दिया जाता था, परंतु कार्नवालिस ने हत्या के पीछे की भावना पर बल देने की बात कही। इससे पहले अस्त्र और उसके ढंग पर ही बल दिया जाता था। इसके अलावा अगर बात करें तो मृतक के जो अभिभावक थे उनकी इच्छा के अनुसार क्या कर देते थे कि रक्त मूल्य निर्धारित करके या फिर अंग विक्षेप करके या कुछ प्रकार की चीज़ें करके सजा को माफ़ कर देते थे। तो इसने उन सभी के स्थान पर कड़ी सजा की प्रावधान किया।
इस प्रकार 1793 में यह निश्चित किया गया कि जो साक्षी है उसके धर्म विशेष के मामले में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले होता था हिंदू है या मुस्लिम है, इस आधार पर उनके ऊपर केस में नरमी बरती जाती थी या उन पर कठोरता बरती जाती थी, तो उन्होंने धर्म को बिल्कुल हटा दिया, अपराधी मीन्स अपराधी। अब बात करते हैं पुलिस सुधारों की। तो कॉर्नवालिस ने कंपनी के अधिकारियों के वेतन में अच्छी खासी वृद्धि कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों को जो जमींदारों के अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया, क्योंकि पुलिस वालों के पास पहले जमींदारी के अधिकार भी थे, तो जमींदारी छीन ली, सैलरी बढ़ा दी कि आप सैलरी बेस पे काम करो, आपको टैक्स या दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि अंग्रेजी मजिस्ट्रेटों को जिला पुलिस का जो भार था वो दे दिया कि आप जो पुलिस विभाग है वो आपके अंडर में रहेगा, और जिलों को जो इन्होंने एक निश्चित दायरा बनाया कि 400 वर्ग मील के अंतर्गत जो जिला है उसका क्षेत्र विभाजित होगा, और इस क्षेत्र के अंदर जो इसका प्रभारी होगा या पुलिस थाने का जो प्रभारी होगा उसको दरोगा कहेंगे, तो दरोगा के प्रभार में जिले को दे दिया गया। कॉर्नवालिस को कुल मिला के पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस। बात करते हैं प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत। तो कंपनी में प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत जितने भी हमारे कर्मचारी थे उनके वेतन में इन्होंने वृद्धि करी, और व्यक्तिगत व्यापार जितने भी थे उन पर पाबंदी लगा दी गई। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था को कुल मिला के यूरोपीकरण करने की कोशिश की, और भारतीयों के लिए सेना में कुछ पद जो थे उनको डिसाइड कर दिया, जैसे सूबेदार हो गए, जमींदार हो गए, और अगर प्रशासनिक सेवा की बात करें तो मुंसिफ हो गया, सदर हो गया, अमीन हो गया, अमीन आज की तारीख में हम कहते हैं डेप्यूटी कलेक्टर को, तो इससे ऊपर पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। भूमि सुधार के संबंध में कॉर्नवालिस ने सबसे पहले ये तय किया कि हमें कितनी प्रकार का कर लेना है या किस समय तक के लिए लेना है, तो कुछ प्रश्न थे इनके सामने, तो उनका निर्णय करने के लिए कॉर्नवालिस ने सर जॉन शोर के सहयोग से एक व्यवस्था बनाई और इसको अंतिम रूप में जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। और यहाँ पर जेम्स ग्रांट साहब ने कॉर्नवालिस तथा जॉन शोर के विचारों का विरोध करते हुए जमींदारों को केवल भूमि के संग्रहकर्ता ही माना था, और यहाँ पर कॉर्नवालिस ने क्या मान लिया, भूमि का स्वामी मान लिया। तो संग्रहकर्ता स्वामी के बीच में कुछ विवाद हुआ था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कर का स्वरूप क्या था। तो 1790 में 10 वर्षों की व्यवस्था की गई, और इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया, जॉन शोर की व्यवस्था। इसके बाद अगर बात करें तो व्यवस्थाओं को 1793 में स्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ पर होता यह था कि जमींदार जो टैक्स वसूल करते थे या भू राजस्व वसूल करते थे उसका 8/9 भाग, लगभग 88% भाग जो है कंपनी के पास जाता था, और उसका लगभग 11% भाग, मतलब 1/9% जो भाग है वो जमींदार अपने पास अपनी सेवाओं के उपयोग करने के लिए रख लेते थे। इस व्यवस्था के अनेक दोष सामने आए बाद में, और धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह इसके हित में नहीं गई, और धीरे धीरे इसका उत्पीड़न शोषण वाला काम बढ़ गया, और यहाँ पर क्या करा कि इस बंदोबस्त व्यवस्था को भी बंद कर दिया जाएगा बाद में। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे करों की संख्या कितनी रही होगी। तो कुल मिला के 36 प्रकार के कर लिए जाते थे, तो कॉर्नवालिस ने इन करों की संख्याओं को घटाया और एक कर को दूसरे कर में मर्ज करते हुए लगभग 23 प्रकार के करों की व्यवस्था की। तो पुरानी राजस्व समितियों का नाम बदल के भी इसने राजस्व बोर्ड कर दिया गया। कॉर्नवालिस ने व्यापार के जो सदस्य थे उनकी संख्या घटाकर 11 से 5 कर दी, और ठेकेदारों के स्थानों पर गुमाश्ता या व्यापारिक प्रतिनिधियों का माल देने की व्यवस्था इसने स्टार्ट करी। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कॉर्नवालिस के बाद हमारे पास आएंगे सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के समय में ब्रिटिश संसद में 1793 का चार्टर्ड एक्ट पास किया गया था। इसी के काल में निज़ाम और मराठों के बीच में 1795 में खुदरा का युद्ध लड़ा गया था। सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की जो नीति थी उसका पालन किया, और उनके केवल अवध के मामले में ही हस्तक्षेप किया। तो कुल मिला के अहस्तक्षेप की नीति का पालन करने वाले गवर्नर जनरल सर जॉन शोर थे। असफुद्दौला की मृत्यु के बाद अवध में उत्तराधिकार की समस्याएँ शुरू हो गई थी, और असफुद्दौला वज़ीर अली को नवाब बनाना चाहता था, किंतु सर जॉन शोर उसके दूसरे पुत्र सआदत अली को नवाब की घोषणा कर दी और उसके साथ में संधि भी की। तो इस प्रकार से इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। इसके बाद आने वाले हैं अगर हमारे पास गवर्नर जनरल, तो सबसे बेहतरीन आएंगे लॉर्ड वेलिजली। लॉर्ड वेलिजली सहायक संधि प्रणाली स्टार्ट करने वाले थे और बंगाल के शेर के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में बात करें तो 1798 में सर जॉन शोर के अहस्तक्षेपवादी युग के बाद लॉर्ड वेलिजली भारत के गवर्नर बने,
और इन्होंने सहायक संधि की प्रणाली जो ही उसको शुरू किया। इन्होंने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया था। हालांकि सहायक संधियां जो थी वो प्रयोग भारत में इससे पहले डुप्ले भी कर चुके थे। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर हैं और इन्होंने इससे पहले भी इनका यूज़ कर लिया था। सहायक संधि जो है वो कुछ शर्तों के ऊपर आधारित होती थी। जैसे अगर पहली शर्त है इसकी कि भारतीय राजाओं को अपनी विदेश संबंधी जो काम है वो कंपनी के नियंत्रण में स्थापित करने होते थे, और जो भी बात करनी होती थी किसी दूसरे राज्य से तो कंपनी के माध्यम से ही कर सकते थे। अगर उनको किसी पड़ोसी राज्य से बात करनी है किसी डील में तो उनको कंपनी से सहायता लेनी पड़ेगी। दूसरी बात थी कि जितने भी बड़े राज्य हैं उनको अनिवार्य रूप से सैनिकों की एक टुकड़ी और सैन्य अधिकारी के नियंत्रण में रखनी होती थी अपने यहाँ पर, और उन्हें एक ऐसा क्षेत्र देना होता था वो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्षेत्र उनके अंडर में होता था। वहाँ पर राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। और छोटे राज्यों के लिए ये था कि अगर आप हमारी सेना की टुकड़ी नहीं रख सकते हो तो आप उसके बदले में हमें नगद धन दे दिया करो। तीसरी बात ये थी कि किसी भी राज्य ने चाहे वो छोटा हो या बड़ा अगर सहायक संधि की है तो प्रत्येक राज्य को अपनी राजधानी में क्या करना पड़ेगा, एक अंग्रेजी रेजिडेंट अधिकारी को रखना होगा। और इस अंग्रेजी रेजिडेंट अधिकारी का काम क्या होता था, यह होता था कि कंपनी की आज्ञा के बिना आप किसी भी बाहरी काम को या किसी भी व्यापारी को या किसी भी अंग्रेज को या फ्रांसीसी को अपने यहाँ पर नियुक्त नहीं कर सकते थे, आपको अंग्रेज रेजिडेंट से पूछना पड़ता था। चौथा बड़ा काम था कि कंपनी अपनी जो सहायक संधियाँ हैं स्वीकार कराने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, और ये बोलती थी कि हम आपके हर प्रकार के शत्रु से आपकी सहायता करेंगे। अब अगर बात कर ली जाए कि सहायक संधि किसके लिए काम लाभदायक थी और किसके लिए नहीं, तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि सहायक संधि जो है वो कंपनी के लिए लाभदायक थी। और जैसे कि इसको क्या लाभ था, तो यहाँ पे राज्यों को आपस में लड़ा देती थी, उन्हें सहायक संधि के जाल में फंसा के रख लेती थी, और अपने सैन्य व्यवस्था में जो व्यय था उसमें कंपनी ने कटौती कर ली थी और राजाओं से ही वो पैसा ले ली थी, अपने सैनिकों को भी रख लेती थी। दूसरी बात, जो इनके दुश्मन थे अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांसीसी, उनकी जो शक्ति थी उनको कमज़ोर करने में भी काम में आ रही थी। और अगर बात करें राजे रजवाड़ों की, तो इससे राजे रजवाड़ों को तो बिल्कुल हानि ही थी। क्या हानि थी, जैसे कि उनके पास जितने भी भारतीय सैनिक थे वो बेकार हो गए थे, और विदेशी संबंध कंपनियों के नियंत्रण में आ गया था तो यहाँ पर उनके हाथ में भी कोई संबंध रह नहीं गए थे स्पेशल। राजा जो बिल्कुल था वो निष्क्रिय रूप में आ गया था, और सहायक संधि से जुड़ने वाले जितने भी राज्य थे वो अधिकांशतः दिवाली हो गए थे क्योंकि इनका खर्च इतना हो गया था। अब प्रश्न आता है कि किन किन राज्यों ने यहाँ पर सहायक संधि की थी। तो 1798 से लेकर 1804 तक बहुत सारे राज्य हैं हमारे पास, जैसे हैदराबाद है, मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है, इन सभी ने तो संधि कही गई। साथ में जो बरार के भोंसले थे और ग्वालियर के सिंधिया थे, इन्होंने भी सहायक संधि करी। और अन्य राज्यों की बात करें तो राजस्थान में हमारे जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, मच्छेड़ी हो गया, बूंदी हो गया और भरतपुर हो गया, इन राज्यों ने भी सहायक संधि स्वीकार की थी। वेलिजली के समय पे फ्रांसीसियों का जो डर था भारत में पूरी तरीके से फैला हुआ था, तो वेलिजली के सामने एक समस्या थी कि आखिर फ्रांसीसियों को कैसे हराएं। तो उसने इसका एकमात्र हल ये निकाला कि अगर मैं भारत के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लेता हूँ तो मैं इनसे जीत सकता हूँ। यहाँ पे टीपू सुल्तान का जो संपर्क है वो नेपोलियन से हो चुका था, और उसने उसे सहयोग मांगे थे कि मैं अंग्रेज़ों को बाहर कर दूंगा। तो जब वेलिजली को पता चला कि टीपू सुल्तान हमारे खिलाफ़ इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है, तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान को हमारे जो वेलिजली साहब हैं वो मार डालते हैं। 1799 ईस्वी में जो वेलिजली हैं उन्होंने मेहंदी अली खान नाम के एक दूत को ईरान के शाह के दरबार में भेजा था, और उसके बाद 1800 ईस्वी में इन्होंने एक अन्य दूत जॉन मैकलम को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के साथ तेहरान पहुंचाया। हुआ क्या कि जो शाह थे उन्होंने अंग्रेज़ों से एक संधि करी कि हम फ्रांसीसियों को अपने देश में आने की अनुमति नहीं देंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने फ्रांसीसियों को बहुत हद तक रोकने का प्रयास किया। लॉर्ड वेलिजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कंपनी के स्थान पर एक शक्तिशाली राजनीतिक स्वरूप जो था वो प्रदान कर दिया था। लॉर्ड वेलिजली ने अपने आप को बंगाल के शेर कहकर भी संबोधित किया,
या इसको एक उपाधि मिली थी, बंगाल का शेर। इसके समय में ही 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का सृजन भी हुआ था। नेपोलियन के विस्तार को रोकने के लिए वेलिजली ने भारत में जनरल वेयर्ड के नेतृत्व में एक सैनिक दस्ता मिस्र भेज दिया था, और इसके काल में द्वितीय आंग्ल मराठा या आंग्ल जो मराठा युद्ध था 1803 से लेकर 1804 वाला, वो भी हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा जो वेलिजली है वो 1804 तक रहने वाला है। इसके बाद बनते हैं लॉर्ड कार्नवालिस, ये उनका दूसरा कार्य था, पर 1805 में जब वो वापस से गवर्नर जनरल बने, शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इस कार्यकाल में स्पष्ट वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं इनके बाद बनने वाले, तो सर जान बार्ले करके ये गवर्नर जनरल बनेंगे, और इनके समय में वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 वाला, ठीक है, और जिनमें कई अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। बस इनके काल में एक ही है जन जॉर्ज बार्लो के समय में वेल्लोर विद्रोह हुआ था, तो बार्लो वेल्लोर इस प्रकार से आप याद रख लेंगे। इसके बाद आने वाले हैं 1807 में लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से लेकर 1813 तक। तो इनके समय में क्या हुआ था, पर्शिया जिसको हम फारस कहते हैं, पर्शिया के शाह के साथ इनकी एक संधि हुई थी, उसके अनुसार कोई भी विदेशी सेना उनकी अनुमति के बिना उनके क्षेत्र से गुजर नहीं सकती थी, मतलब फारस के शाह से साथ संधि कर ली इन्होंने। चार्ल्स मेटकाफ को मिंटो ने ही महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजा था, और 1809 में अमृतसर की संधि भी की गई थी इन्हीं के साथ में। मिंटो ने बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह का भी दमन किया था। तो इस प्रकार से मिंटो के काल में तीन काम होते हैं, ये चार्ल्स मेटकाफ को राजा रणजीत सिंह के दरबार में भेजते हैं, बुंदेलखंड और नागपुर के विद्रोह को दबाते हैं, और जो पर्शिया के शाह है उनसे एक संधि भी कर लेते हैं। इनके बाद आने वाले गवर्नर जनरल हैं हमारे पास लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक लगभग 10 साल भारत में रहने वाले हैं। लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं वो गवर्नर जनरल बनकर 1813 में भारत आए। अपने गवर्नर जनरल के रूप में भारत में उनके राजनीतिक श्रेष्ठता को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। इनके समय में सर्वप्रथम नेपाल युद्ध लड़ा गया था। 1814 से लेकर 1816 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया, और अंग्रेजों की ओर से इस युद्ध में जनरल ऑक्टरलोनी, कर्नल निकल्सन, गार्डनर, जनरल गिलिस्पाई आदि बहुत अच्छे अच्छे नायक थे। जनरल गिलिस्पाई जो थे, इनका जो कालंग का एक दुर्ग था नेपाल के वहाँ पे, तो उसमें आक्रमण करने में ये विफल रहे थे, और वहाँ पर ये वीर गति को भी प्राप्त हो गए थे। जो इनके उत्तराधिकारी हुए मेजर मार्डिक, और इन्होंने भी क्या करा, जेताग दुर्ग को जीतने में ये भी असफल रहे, किंतु अंग्रेजों ने अपनी विफलताओं से हताश नहीं हुए और ये लगे रहे युद्ध में। कर्नल निकल्सन और गार्डनर ने कुमाऊं की पहाड़ियों में जो स्थित अल्मोड़ा नगर था वहाँ पर विजय प्राप्त कर ली। जनरल ऑक्टरलोनी ने मालाओं के नगर में अमर सिंह थापा को हरा दिया। इस प्रकार जो युद्ध था उसमें गोरखा जो थे पूर्ण रूप से पराजित हो गए थे। 1816 ईस्वी में जब ये युद्ध खत्म हुआ तो यहाँ पर गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में संगोली की संधि हुई, और इस संधि से युद्ध की समाप्ति भी हो जाती है। संगोली की संधि की शर्तों के अनुसार गढ़वाल तथा कुमायूं हिमालय जो है वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गए थे। गोरखाओं ने काठमांडू में ब्रिटिश सेना को रखने के लिए स्वीकार कर लिया था, तो यहाँ पर गोरखा जो है हमारे पास वो ब्रिटिश की जो सेना है उनको रखने के लिए स्वीकार कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्षेत्र हैं जैसे शिमला हो गए, रानीखेत हो गए, नैनीताल, ये अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। इसी संबंध में चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का बादशाह बन जाऊँ तो भारत में एक भी भारतीय नरेश नहीं रहेगा, निज़ाम का नाम भी कोई नहीं सुनेगा और नेपाल हमारा होगा। तो इस प्रकार का जॉन नेपियर का कथन था। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के काल में यहाँ पर तीसरा आंग मराठा युद्ध भी लड़ा जाएगा, जिसमें मराठे जो है वो हार जाएंगे। गोरखाओं ने यहाँ पे सिक्किम को खाली कर दिया था, तो इस प्रकार से सिक्किम भी भारत के राजक्षेत्र में आ जाता है। इस संधि का सबसे बड़ा लाभ गोरखाओं का अंग्रेजी सेना में भर्ती होना था। 1857 में भी ये राजभक्त बने रहे तथा उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में योगदान भी किया था, तो गोरखाओं ने बहुत हद तक सपोर्ट किया अंग्रेजों का। हेस्टिंग्स को पिंडारियों के दमन का श्रेय भी प्राप्त है। अंग्रेजी इतिहासकार पिंडारियों को अफगान लुटेरे मानते हैं और दौलतराव सिंधिया को इनका एकमात्र नेता मानते थे, परंतु इनकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती है। पिंडारियों का उल्लेख जो है वो मुगलों के महाराष्ट्र पर
1789 के जो समय आक्रमण हुआ है उस समय मिलता है कि मुगलों के ऊपर पिंडारियों ने हमला किया था। बाजीराव प्रथम के काल में भी ये अवैतनिक रूप से मराठाओं की ओर से लड़ते थे और केवल लूट के भाग को ले लेते थे। पिंडारी किसी भी धर्म को न मानते थे, ठीक है, ये लूटपाट में संलग्न रहने वाले व्यक्ति होते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में वासिम मोहम्मद, चीतू और करीम खां जो थे पिंडारियों के प्रमुख नेता थे। नाम याद रखिएगा, वसीम मोहम्मद, चीतू और करीम खां। 1812 ईस्वी में पिंडारियों ने अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र जैसे मिर्जापुर हो गया, शाहबाद पर आक्रमण कर दिया था। हेस्टिंग ने उनके दमन को अपना लक्ष्य बनाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की। उसने लगभग 1,13,000 सैनिक तथा 300 तोपे एकत्रित कर ली और उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाल ली और दक्षिणी सेना की जो कमान थी वो टॉमस हिस्लोप को दे दी थी उसने। टॉमस हिस्लोप, याद रखिएगा नाम भी। उसके नेताओं में वसीम मोहम्मद ने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर जो है हमारे पिंडारी के वसीम मोहम्मद जो थे वो आत्महत्या कर लेंगे। करीम खां को गोरखपुर में एक छोटी सी रियासत दे के उसको सेटलमेंट कर लिया और चीतू जो था जंगल में भाग गया और उसको शेर मारकर खा गया। इस प्रकार की बातें हैं। मेलकम करके एक अंग्रेज हैं, मेलकम ने पिंडारियों को क्या कहा, मराठों जो मराठा शिकारी थे का शिकारी कुत्ता कहा था। तो इसे कुछ उपमा दी थी पिंडारियों को। 1824 तक पिंडारियों का सफाया हो गया था। हेस्टिंग के समय ही मराठों के साथ अंग्रेजों की अंतिम लड़ाई भी लड़ी गई थी जिसमें मराठे हार गए थे। 13 जून 1817 को पेशवा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और एक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार मराठा संघ समाप्त हो गया। 5 नवंबर 1817 को सिंधिया से एक संधि की गई जिसके अनुसार महाराजा ने 500 सैनिक पिंडारियों के विरुद्ध अभियान के लिए देना स्वीकार किया था। नागपुर के अप्पा साहेब, सीतावर्डी के तथा होलकर महितपुर के पराजित हो गए थे। हेस्टिंग ने बाजीराव को गद्दी से उतार कर 18 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के समीप एक बिट्ठूर नामक स्थान है वहां पर भेज दिया था। सतारा की गद्दी जो थी शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दी गई। हेस्टिंग्स के भारत आने से पहले तक मुगल सम्राट को औपचारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। सम्राट कंपनी के लिए हमारा विशेष कृपा पात्र भृत्य या आदरणीय पुत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करता था। हेस्टिंग ने दिल्ली आने पर यह शर्त रखी कि वह सम्राट से तभी मिलना चाहेगा जब वह पुराने शिष्टाचार खत्म किए जाए। इस प्रकार की इच्छा उसकी पूरी हुई। इसके प्रतिवाद का प्रभाव यह हुआ कि हेस्टिंग का उत्तराधिकारी एडम हर्स्ट 1827 ईस्वी में सम्राट से बराबरी के सम्मान से जाकर मिला था। हेस्टिंग के समय में ही सर टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बना और उसने मालाबार, कन्नड़, कोयम्बटूर, मदुरई, डुंडीगुल ये जो क्षेत्र थे यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। रैयतवाड़ी व्यवस्था अलग वीडियो में समझाया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, शॉर्टकट में आपको बता दूं कि कृषकों के साथ सीधा जो कृषकों को भूमि स्वामित्व मान लिया जाता था और बिचौलियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता था। हेस्टिंग के समय पर ही एल्फिस्टन ने बम्बई में महालवाड़ी तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था के मिश्रण को लागू भी किया। बंगाल में रैयत के अधिकारियों को सुरक्षित रखने के लिए 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट क्या आया, 1822 में टेनेंसी एक्ट जिसको हम क्या कहते हैं, काश्तकार अधिनियम, इसको लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत यदि रैयत अपने हिस्से की निश्चित राशि किराए में देता है तो उसे विस्थापित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का प्रावधान था। असामान्य परिस्थिति को अतिरिक्त लगान में वृद्धि भी नहीं की जा सकती, ये भी टेनेंसी एक्ट में या काश्तकार अधिनियम में प्रावधान किया गया था। हेस्टिंग ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शक के नियम भी बनाए थे। इसके बाद जॉन एडमसन 1823 में अस्थायी रूप से नियुक्त हुए। देन आए हमारे लॉर्ड एमरहर्स्ट। लॉर्ड एमरहर्स्ट जो थे 1823 से लेकर 1828 तक भारत के कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रहे। ये अंतिम व्यक्ति हैं जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रहेंगे। इसके बाद जो आएंगे वो हमारे आएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो बात करते हैं एमरहर्स्ट के समय पे, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। कंपनी ने अपने औपनिवेशिक स्वार्थ के लिए एक युद्ध लड़ा था जिसको हम कहते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध। 1824 से 26 के बीच में युद्ध लड़ा गया था और ब्रिटिश कंपनी ने अपने औपनिवेशिक स्वार्थ के लिए इस युद्ध को लड़ा और इसका कारण ये था कि वो अपनी शक्ति में विस्तार करना चाहती थी। 1826 में यांगडुबू की संधि के साथ में बर्मा के साथ, मतलब बर्मा को परास्त कर दिया, बर्मा सेना को, और इस बर्मा के क्षेत्र को भी भारत में
मिला लिया गया। तो कुल मिला के कुछ नहीं हुआ, क्षेत्रफल में विस्तार हो गया था। 1824 में हमारे जो अहमरहस्ट हैं इनके काल में एक विद्रोह हुआ था जिसे हम कहते हैं बैरकपुर का सैनिक विद्रोह। बैरकपुर का सैनिक विद्रोह इसलिए था कि जब बर्मा के लिए सैनिकों को भेजा जा रहा था जहाज़ में लोड करके, तो भारतीय सैनिकों ने यह कहकर मना कर दिया था कि हमारे धर्म में समुद्र को या जल को लांघना पाप माना जाता है। तो यहाँ पे कुछ सैनिकों ने जल को लांघना या समुद्र को लांघना अपने धार्मिक हितों का उल्लंघन बताया। तो इस प्रकार का विद्रोह जब हुआ तो अहमरहस्ट साहब ने क्या करा, उन जितने भी विद्रोह थे उन विद्रोह को कुचला और सैनिकों को पकड़ कर गोली मार दी। ठीक है, तो इस प्रकार से बैरकपुर जो सैनिक विद्रोह था वो भी शांत हो गया। आगे बात करते हैं, हमारे पास एक अस्थायी रूप से एक और गवर्नर आएंगे कंपनी के अधीन, वो आएंगे विलियम वायल। वायल जो थे 1828 में एक अस्थायी नियुक्ति पर आए थे। देन इसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक का आपको जो गवर्नर जनरल हैं भारत के, वो पार्ट बी के वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।